YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रामपुर में किसानों की गेहूं खरीद में हो रही धांधली और गांव के प्रधान द्वारा शौचालय और आवास में की जा रही अवैध वसूली को लेकर भाकियों ने तहसील में जुलूस निकाला। वहीं मंडी समिति में धरने पर बैठे किसानों ने 15 सूत्रीय ज्ञापन SDM को सौंपा और प्रधान के खिलाफ जांच कराने की बात कही है। भाकियों नेता आदेश शकधर का कहना है कि किसानों को लूटा जा रहा है, न सिर्फ गेहूं अच्छी तरह से खरीद नहीं हो पा रही बल्कि ग्राम प्रधान गांव के लोगों को आवास और शौचालय के नाम पर लूट रहा है। किसानों के साथ दुराचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की गर्दन काट रहे हैं, 100-100 रुपए क्विंटल कम से कम लेकर गेहूँ तोल रहे हैं। किसान बहुत दुखी है, इसका हमने कई बार विरोध भी किया है। हमारे श्रीमान सचिव महोदय भी सहकारिता विभाग के यहाँ पर अजय चौहान जी आए थे, जिसकी शिकायत भी हमने की थी, जिससे कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर भी यहाँ सस्पेंड हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपनी जो हरकत है उससे बाज नहीं आ रहे। तो किसान बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दूसरा मामला यहाँ पर यह है कि मंडी समिति किसानों की है, लेकिन ना तो किसानों को बैठने के लिए कोई जगह है, ना किसानों को पीने के पानी की व्यवस्था है। पूरी तरह किसान दुखी हुआ। पहला ग्राम बरभद्र होगा, वहाँ के प्रधान महोदय ने क्या करा है कि शौचालय बनवाने के नाम पर इतना बड़ा घोटाला किया है कि पूरे गांव में जितने भी शौचालय बने हैं उनसे 2-2 हज़ार रुपये की रिश्वत ली, जो कि सारी चीज़ हमने शपथ पत्र के माध्यम से खंड विकास अधिकारी मिलक को दे दिया है, लेकिन खंड विकास अधिकारी महोदय ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।